मैं डॉक्टर चंद्रेश पारिक और थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए आज एक बार फिर हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस पार्ट टू, अर्थात संक्रमण तत्वों के संकुलों के चुंबकीय गुण। देखिए, हमने अभी तक क्या बात की थी। पार्ट वन में हम बात कर चुके हैं कि आखिरकार मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चाहे वो कॉम्प्लेक्सेस हो चाहे वो कोई और सब्सटेंस हो, उसका मूल कारण, जो मूल कॉज है, वो क्या है। तो यहां पर स्क्रीन पर देखिएगा, हमने दो डायग्राम लिए हैं यहां पर, ए और बी। दोनों में क्या है, इलेक्ट्रॉन की मोशन को बताया गया है। दो तरह की इलेक्ट्रॉन की गतियां हैं। नंबर वन पार्ट पर जो गति है ना, ये हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस है, यानी कि जो एटॉमिक न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ वो परिक्रमा कर रहा है। तो ऑर्बिटल मोशन हुई, तो हम इसे कहते हैं म्यू एल, यानी कि इसके द्वारा जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा वो म्यू एल होगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की अपने अक्ष पर या एक्सिस के ऊपर जो मोशन होगा, जिसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन की स्पिन, उसके द्वारा जो जनरेट होगा उसे अपन कहते हैं म्यू एस। तो जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट हुआ ना म्यू टी, वो किसके बराबर हुआ, म्यू एल प्लस म्यू एस के। तो कुल मिलाकर हम कहते हैं कि हर एक चार्ज बॉडी जो जिसे जिसमें कोई वेलोसिटी हो, कोई मोशन हो किसी तरह का, या मोमेंट हो, तो उसके साथ मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा अटैच होगा ही होगा। क्यों होगा, उसकी बात हमने कर ली। तो अब हम संकुलों के संदर्भ में जब भी बात करेंगे, तो हमने दो तरह की इक्वेशन की बात की थी। एक हमने कहा था B इज इक्वल टू एच प्लस 4 पाई आई, जहां पर B था हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। कब, जबकि हम किसी भी सब्सटेंस की जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम निकालना चाहते हैं, उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें, जिसकी स्ट्रेंथ है H, और आई है उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी कि चुंबकीय तीव्रता। इस इक्वेशन को हमने इस तरह से भी डिफाइन किया या बनाया था कि दोनों तरफ अगर मैं एच से डिवाइड कर दूं तो इक्वेशन बन जाएगी बी इज इक्वल टू 1 प्लस 4 पाई आई बाई एच, या इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे कि P इज इक्वल टू 1 प्लस 4 पाई, इसे हमने कहा था x नहीं कहेंगे हम, इसे कहते हैं काई। P होती है चुंबकीय पारगम्यता, मैग्नेटिक परमिबिलिटी, और ये जो काई है इसे अपन कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और इन दोनों ही टर्म, परमिबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी, इसके द्वारा यह डिटरमाइन किया जाता है कि जो सब्सटेंस है वो कैसा होगा। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखकर ही बात करनी होगी कि सब्सटेंस हमारे पास में कैसा है। अब सब्सटेंस की बजाय हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्सेस की। तो चलिए आगे बात करते हैं कि हमने किस तरह से इनको क्लासिफाई किया है। तो हम मटेरियल को किस तरह से क्लासिफाई करेंगे, ये डिपेंड करता है कि जब हम उसे किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, रखने के बाद में हम मोटे मोटे तौर के ऊपर कह सकते हैं कि 5 तरह का से उनका क्लासिफिकेशन होगा, यानी कि वो 5 तरह की प्रवृत्ति रख सकता है। कौन सा होगा, एक जिसे हम कहते हैं डायमैग्नेटिक, जिसे हिंदी में कहेंगे प्रतिचुंबकीय। एक होता है पैरामैग्नेटिक, जिसे हम कहेंगे अनुचुंबकीय। एक होता है फेरोमैग्नेटिक, लोह चुंबकीय। एंटी फेरोमैग्नेटिक, जिसे हम कहेंगे प्रतिलोह चुंबकीय। और एक होता है फेरी मैग्नेटिक, यानी कि लघु लोह चुंबकीय। तो ये जो नेचर आई, जो क्लासिफिकेशन हुआ, वो कब हुआ, जबकि क्या किया, उस सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एच में हमने रखा है। तो ध्यान में रखना है कि कंपाउंड के पास में अलग अलग व्यवस्थाएं, अलग अलग एटम और मॉलिक्यूल के हिसाब से हो सकती है, उसका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट म्यू होगा ही होगा।
लेकिन जब उसे हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना एच, तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, इंटरेक्शन होगी, और उस इंटरेक्शन के बाद में जो नेचर जो कंपाउंड की जनरेट होगी उसको डिटरमाइन कर हम क्या करते हैं, उसका अलग अलग नामकरण करते हैं, हम डायमैग्नेटिक कहेंगे या पैरामैग्नेटिक कहेंगे या फेरो कहेंगे, एंटी कहेंगे या फेरी मैग्नेटिक कहेंगे। लेकिन यहां तक यह निश्चित हो जाता है कि हमने वर्गीकरण किस आधार पे किया है, जबकि हम उसे किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल की, यानी कि डायमैग्नेटिक हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, प्रति चुंबकीय की, कि नाम अपने आप में स्पष्ट है, हिंदी के अंदर तो प्रति चुंबकीय हमने कह दिया। अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कब होगा, तो हम कहते हैं कि सब्सटेंस को लीजिए और उसे किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखिए। ये देखिएगा, ये कंडीशन आ गई हमारे पास में इस तरह से। पहली जो कंडीशन है जिसमें हमने क्या लिया है, कंपाउंड को सिर्फ रखा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, नॉर्थ और साउथ सिर्फ दिखाने के लिए है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, जो लाइन ऑफ फोर्सेस है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है वो बिल्कुल पैरेलल गई, हमने कहा ये नॉर्मल स्टेट। लेकिन अब अगर वो डायमैग्नेटिक तरह का है तो क्या होगा, वो क्या करेगा, ऐसे सब्सटेंस जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने वाली जो लाइन ऑफ फोर्सेस होती है ना, हिंदी में कहते हैं बल रेखाएं, वो क्या करेगा, ये सब्सटेंस उनको रिपेल करते हैं, यानी कि क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, और इसी प्रतिकर्षण की वजह से ही इनको हम कहते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ, या अगर कॉम्प्लेक्स के संदर्भ में बात करेंगे तो हम कहेंगे प्रति चुंबकीय संकुल। और देखिएगा एक अच्छे से डायग्राम के द्वारा हम इसे फिर से देखते हैं कि क्या हुआ, कि हमने क्या किया, ऐसे सैंपल, कैसे सैंपल है ये वो सैंपल है जिसे हम क्या कर रहे हैं, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो देखिएगा ये सैंपल था हमारे पास में, इस सैंपल को हमने क्या किया है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। कैसा है वो, ये नॉर्थ पोल, ये उस एक्सटर्नल जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल, और जो लाइन ऑफ फोर्सेस होती है हमें पता है कि हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। तो जब जैसे ही हमने उस सब्सटेंस को रखा, उसने क्या किया, लाइन ऑफ फोर्सेस को अवे कर दिया, प्रतिकर्षित कर दिया। तो हम कहेंगे ऐसे पदार्थ या ऐसे संकुल जिन्हें बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उन चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं को प्रतिकर्षित कर दे, उस क्षेत्र को प्रतिकर्षित कर दे, उन्हें अपन कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, और अब इसके बारे में अगर और जानकारी लेनी होती है या हम किस तरह से इसे कहेंगे, तो हम कहेंगे कि ऐसे मटेरियल विच अलाइन अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो बाहर का जो क्षेत्र होगा ना, ये उसके अगेंस्ट खुद को रीअरेंज कर लेते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को अपन कहते हैं डाया मैग्नेटिक। तो दो तरह की बात तो हमने कर ली, पहला कौन सा, जिन्होंने रिपल किया किसे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को, और दूसरा हमने कहा अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड के जो अलाइन हुए। अब हमने ये पहले ही बात कही थी कि हम हमेशा किससे बात करेंगे, हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्ट, जब भी डिफाइन करना होगा तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे सब्सटेंस जिनके लिए काई की वैल्यू नेगेटिव हो जाए या जीरो से कम हो जाए वो सब्सटेंस कहलाते हैं डायमैग्नेटिक। अब प्रश्न उठता है कि ये वैल्यू नेगेटिव क्यों हुई, तो नेगेटिव होने का रीजन क्या होगा, हम कहते हैं भाई वो नेगेटिव किस लिए हुई है, वो नेगेटिव इसलिए हुई थी, इक्वेशन थी हमारे पास में बी बाई एच इज इक्वल टू 1 प्लस 4 पाई आई बाई एच, यह था क्योंकि बेसिकली इक्वेशन थी बी इज इक्वल टू एच प्लस 4 पाई आई। अब हमने क्या किया, सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, तो लाइन ऑफ जो फोर्सेस थी ना बी, जिसकी वैल्यू है वो अगर रिपल कर देगी तो क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी, तो जो बी बाई एच था ये क्या होगा, 1 से कम हो जाएगा, क्योंकि एच हुआ ज्यादा और लाइन ऑफ फोर्सेस के रिपल्शन की वजह से बी हो गया कम, तो बी बाई एच हो गया 1 से कम। तो ये जब वैल्यू 1 इधर जाएगी तो ओवरऑल आई बाई एच क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो हम कहते हैं ऐसे सब्सटेंस
जिनके लिए क्या हो, जिनके लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव हो या जीरो से कम हो, उन्हें अपन कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस या कॉम्प्लेक्सेस। फिर से हम वही करें, दीज मटेरियल्स आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेट्स, जिसकी बात हम कर चुके हैं, एंड दे मूव फ्रॉम ए स्ट्रॉन्गर टू वीकर फील्ड। कि ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वो रिपल्शन तो होगा ही होगा, लेकिन अपने आप को किस तरह से अरेंज करेंगे, स्ट्रॉन्ग से वीकर फील्ड की तरफ रीअरेंज कर लेंगे। अब ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्या? दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड नहीं करते। तो ऐसे सबसे ध्यान रखिएगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस टेम्परेचर के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करते। टेम्परेचर और मैग्नेटिक नेचर का बहुत बड़ा साथ होता है, और वास्तव में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करना होता है ना, तो ये बहुत कुछ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, जिसकी बात हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं कि नीज टेम्परेचर है या क्यूरी टेम्परेचर है। लेकिन हाल फिलहाल हम ये कहते हैं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, टेम्परेचर के ऊपर इंडिपेंडेंट है, एज दीज मटेरियल्स मैग्नेटाइज इन द अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में खुद को अरेंज करती हैं। दे डू हैव ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, हालांकि मैग्नेटिक इंटेंसिटी बहुत थोड़ी सी मात्रा में इनमें हो सकती है, इसीलिए वो टेम्परेचर के ऊपर हमने कहा कि इनडिपेंडेंट हुई, और किस तरह से वो वेरी करेगा इसकी बात हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, हम कहते हैं गोल्ड, टिन और मरकरी, ये एग्जांपल है किनके, डायमैग्नेटिक के, आर एग्जांपल ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, अब इनके लिए परमिबिलिटी की बात करो तो हम कहेंगे कि मटेरियल्स हैव अ कांस्टेंट रिलेटिव परमिबिलिटी होगी, इनकी जो पारगम्यता होगी वो क्या होगी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी। तो चलिए फिर से बात करते हैं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कैसा होगा। तो हम कहते हैं कि सबसे पहले कि जिसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर लाइन ऑफ फोर्सेस को रिपेल करते हो, या हम कहेंगे कि जिनके लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव हो, और जो टेम्परेचर के ऊपर जिनकी जो मटेरियल है उनकी मैग्नेटिक नेचर इंडिपेंडेंट हो टेम्परेचर के ऊपर, ऐसे सब्सटेंस कहलाएंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। और एग्जाम्पल हुआ गोल्ड, टिन, मरकरी, वाटर एटसेट्रा। अब बात करते हैं हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल या सब्सटेंसेस की। अभी तक हमने किसकी बात की थी, हमने कितनी डायमैग्नेट की, प्रतिचुंबकीय की। अब अपन बात करते हैं पैरामैग्नेटिक, या हिंदी में कहते हैं अनुचुंबकीय मटेरियल की। तो पहले केस में क्या था कि सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसने क्या किया, उसको उसकी जो लाइन ऑफ फोर्सेस थी उसको या उस क्षेत्र को उसने रिपल किया। अब ऐसा केस नहीं हो, वो अगर खुद को अट्रैक्ट कर ले, बिल्कुल जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आया कि ये सब्सटेंस है हमारे पास में, ये सब्सटेंस, अब इस सब्सटेंस को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो लाइन ऑफ फोर्सेस को इसने अट्रैक्ट किया, तो ये कुछ उसकी तरफ झुकाव लेते हुए सी गई है, यानी कि कैसे जा रही है, इस तरह से जा रही है, इस तरह से जा रही है। तो यहां क्या हो गया, अट्रैक्शन था, जबकि इसके पहले कैसा हो रहा था, इसके पहले हो रहा था लाइन ऑफ फोर्सेस जा रही थी कुछ इस तरह से सब्सटेंस के बाहर से निकलते हुए। तो हम कहेंगे ऐसे सब्सटेंस या कॉम्प्लेक्सेस जिन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर लाइन ऑफ फोर्सेस को अट्रैक्ट करते हो, उन्हें हम कहेंगे पैरा मैग्नेटिक मटेरियल या सब्सटेंसेस, या हम कहेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स विच अलाइन विद द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये क्या कर रहा है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था ना उसके डायरेक्शन में ही खुद को अलाइन कर लेती हैं, उसकी तरफ ही व्यवस्थित हो जाती हैं, इन्हें कहेंगे हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब हमने पहले ही बात कर ली थी कि दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है, एक परमिबिलिटी और एक ससेप्टिबिलिटी की। अब इसे हम यहां पर डिटेल में बात करते हैं कि क्या रहा हमारे पास में, इक्वेशन क्या है, परमिबिलिटी पी इज इक्वल टू 1 प्लस 4 पाई काई, कैसे हुआ था हमारे पास है बी बाई एच इज इक्वल टू 1 प्लस 4 पाई आई बाई एच। आपने क्या किया, सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उसने क्या किया, लाइन ऑफ फोर्सेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो बी की वैल्यू क्या हो गई, अलाइनमेंट की वजह से बढ़ गई।
अब अगर बी अगर एच से ज्यादा है तो क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि ये वाला जो एच है ना, ये जब इधर आएगा तो पी की वैल्यू, क्योंकि परमेबिलिटी हमारे पास हमेशा एक से ज्यादा है, तो इस केस में काय की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। तो हम दूसरी डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द हैं जिन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर क्या हो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जिनकी ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए, पॉजिटिव हो जाए, वे कहलाएंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वहां डायमैग्नेटिक के लिए हमने कहा था कि वो टेम्परेचर के ऊपर इंडिपेंडेंट होती हैं, लेकिन यहां कहते हैं कि ऐसे सब्सटेंस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जो टेम्परेचर के ऊपर जिनकी मैग्नेटिक नेचर डिपेंड करती हो, वे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे। और रिलेटिव परमेबिलिटी वहां हमने कहा था कॉन्स्टेंट, और यहां अपन कहते हैं कि रिलेटिव जो परमेबिलिटी है ना, वो कैसी किस रेंज में होगी, वन से थोड़ा सा वेरी ऑलमोस्ट तो कॉन्स्टेंट है, लेकिन जो रिलेटिव परमेबिलिटी है ना, वो 1.001 से लेकर 1.003 तक की होगी। और लास्ट में हम कहते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो इसके एग्जाम्पल हुए अल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन जैसे, ये एग्जाम्पल हुए किसके, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के। तो हमने डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में जान लिया, हमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में जान लिया, अब हम बात करेंगे लोह चुंबकीय या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के बाद में हम बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या सब्सटेंसेस की या संकुलों की, अर्थात लोह चुंबकीय संकुल या मटेरियल या सब्सटेंस क्या होती हैं। अब अगर मैं इसे समझना चाहता हूं ना, तो फिर से मुझे क्या होगा, उन दोनों के डायग्राम को इसके साथ में कोरिलेट करना होगा। ये देखिएगा, सबसे पहली कंडीशन जिसकी हमने बात की थी क्या थी, पहला केस हुआ हमारे पास में कुछ ऐसा डायमैग्नेटिक का, तो लाइन ऑफ फोर्सेस क्या थी, लाइन ऑफ फोर्सेस यहां पर रिपल हुई। सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में उसने क्या किया, अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट किया, अट्रैक्ट तो किया है, थोड़ा सा अट्रैक्ट किया लाइन ऑफ फोर्सेस को, और इसी वजह से ऐसे सब्सटेंस को हमने कहा कि ये अनुचुंबकीय होगा। पहले वाले को हमने कहा डायमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय होगा। अब थर्ड के साथ में देखिए, थर्ड क्या कर रहा है, वो भी लाइन ऑफ फोर्सेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा, यानी कि उसने क्या किया, लाइन ऑफ फोर्सेस को बहुत ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो पैरामैग्नेटिक से कहीं ज्यादा वो बल रेखाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब इसका मतलब क्या निकलेगा, अगर मैं ससेप्टिबिलिटी की बात करूं तो आप कैलकुलेट कीजिएगा, लेकिन हाल फिलहाल मैं अगर डिफाइन करना चाहूंगा तो मैं क्या कहूंगा, ऐसे सब्सटेंस जिन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को बहुत अधिक अपनी तरफ आकर्षित करते हो। और साथ में एक लाइन और जोड़नी पड़ेगी, क्या कि मैं अगर इस केस में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा दूं तो क्या होगा, तो भी जिनके अंदर मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी, यानी कि वो मैग्नेटिक नेचर को शो करेगा। जबकि पहले दोनों केस में क्या था कि चाहे वो अनुचुंबकीय हो प्रतिचुंबकीय हो, मैं अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेता हूं तो उनकी जो मैग्नेटिक नेचर होगी ना, वो भी बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, जो जैसा सब्सटेंस था वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इस केस में फेरोमैग्नेटिक के केस में मैंने सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसने लाइन ऑफ फोर्सेस को अट्रैक्ट किया, यानी कि वो मैग्नेटिक हो गया। अब अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा दूं तो क्या होगा, तो भी हम कहते हैं कि उसमें मैग्नेटिक नेचर या उसकी मैग्नेटिक नेचर बिल्कुल वैसी ही बनी रहेगी, वो अब न्यूट्रलाइज नहीं होगी, कैंसिल नहीं होगी। और इसका सुंदर सा एग्जाम्पल ये है कि आप मैग्नेट जब बनाते हैं आयरन में करंट पास करके, तो क्या होता है, वो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है करंट को पास करके कोयल बनाते हुए इस तरह से। यानी कि क्या हो गया, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो गया आयरन। तो आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये फेरामैग्नेटिक मटेरियल के सुंदर एग्जाम्पल है।
तो ये हम कहते हैं कि हमारा पार्ट नंबर वन, डेफिनेशन नंबर वन क्या, कि मैग्नेटिक मटेरियल्स दैट आर हाईली मैग्नेटाइज इन अ मैग्नेटिक फील्ड आर नोन एज फेरामैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि ऐसे पदार्थ जिन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर हाईली मैग्नेटाइज होते हो, बहुत ज्यादा जिसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता हो, उन्हें हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब यहां देखिएगा, दीज सब्सटेंसेस शो द परमानेंट मैग्नेटिज्म इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों को हमेशा हमें एक ही डेफिनेशन में रखना है, तब हम इसे डिफाइन कर पाएंगे क्या, कि अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा देता हूं तो भी उसमें तो भी उनमें क्या हो गया, परमानेंट मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी मेंटेन रहेगी या आ जाती है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट को देखिएगा, दीज आर हाईली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट एंड मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर। वो किधर हो रहे थे, डायमैग्नेटिक में क्या था, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ था, लेकिन ये सब्सटेंस क्या हो रहे, खुद को अरेंज करते किस तरफ, वीक से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, क्योंकि अगर मैं नेचर की बात करना चाहता हूं तो एक टर्म आएगी हमारे पास में जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और आपको उसकी बात करनी होगी। तो जो नंबर वन केस था ना डायमैग्नेटिक, आपने कहा उनके लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई की वैल्यू कितनी थी, नेगेटिव थी, जीरो से कम था। दूसरे के केस के अंदर आपने क्या कहा, जीरो से ज्यादा पॉजिटिव। लेकिन अब इस केस में क्या होगा, तो हम कहते हैं कि जो बी है लाइन ऑफ फोर्सेस को उसने बहुत ज्यादा अपने में क्या किया है, अट्रैक्ट किया, तो बी की वैल्यू एच से बहुत ज्यादा हो गई। तो ऐसे केस में क्या होगा, ससेप्टिबिलिटी भी बहुत हाई होगी और पॉजिटिव होगी। तो पैरामैग्नेटिक में भी यही था, वैल्यू क्या थी, एक से ज्यादा थी और पॉजिटिव थी। यहां भी हम कहते हैं कि ससेप्टिबिलिटी एक से ज्यादा है, पॉजिटिव है और बहुत ज्यादा है, यानी कि पैरामैग्नेटिक से फेरोमैग्नेटिक के अंदर भी हम कहते हैं कि ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। और जो परमिबिलिटी है वो कितनी है, 1000 से 1 मिलियन तक में ये जाती है, 1000 से लेके 1 लाख तक, बल्कि उससे भी ज्यादा जिसकी परमिबिलिटी चुंबकीय पारगम्यता होगी, ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और इसका एग्जाम्पल है आयरन, कोबाल्ट और निकल। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल में बहुत कम है, बहुत कम एलिमेंट ऐसे हैं जो फेरोमैग्नेटिक नेचर को शो करते हैं। उनमें से तीन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास, आयरन, कोबाल्ट और निकल, या फिर इनके अलॉय। और लास्ट में हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस चेंजेस टू पैरामैग्नेटिक। ये क्या है, पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएंगे कब, जब हम इन्हें हाई टेम्परेचर के ऊपर गर्म करें। तो डायमैग्नेटिक टेम्परेचर के ऊपर इंडिपेंडेंट था, पैरामैग्नेटिक टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब एग्जाम में अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय के बारे में बहुत ज्यादा बात होती है कि सब्सटेंस कब अनुचुंबकीय होगा, कब प्रतिचुंबकीय होगा। तो एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन हम करते हैं अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय के बारे में। तो देखिए, हम कहेंगे कि एटम्स विद अनपेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिक, यानी कि ऐसे सब्सटेंस, ऐसे संकुल जिनके पास में क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा हो, वे हमेशा पैरामैग्नेटिक होंगे। और ऐसे क्या होंगे, वो मैग्नेट मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, उन्हें अपन क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, यानी हिंदी में क्या कहोगे, अनुचुंबकीय। जबकि ऐसे सब्सटेंस या एटम जिनके पास में क्या हो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक ऐसी हो, एक ऐसी हो जाए, इसे हम कहते हैं वो पेयरिंग हो गई। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट से न्यूट्रलाइज हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इस अपोजिशन की वजह से इनमें क्या होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा, इन्हें अपन कहते हैं प्रतिचुंबकीय। तो अब मुझे बताइएगा, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि
कोई भी यौगिक है उसके पास में अगर, या संकुल है जिसके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा? या मैं कहूं कि कौन कौन से गुण होंगे, पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म होंगे या नहीं होंगे, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे नो सर, या तो पैरामैग्नेटिक होंगे, तो मुझे बताइए क्या डायमैग्नेटिक वो सब्सटेंस नहीं होगा, बताएं? बिल्कुल, देखिए डायमैग्नेटिक एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो हर सब्सटेंस में होगा ही होगा, लेकिन वो इतना वीक होता है कि वो शो नहीं हो पाता। तो हम कहेंगे ऐसे केस में पैरामैग्नेटिक इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो डायमैग्नेटिक से बहुत ज्यादा होने की वजह से फील होता है, या वो नेचर में दिखाई देता है। ठीक है, इसी तरह से अपन अब तीनों को एक साथ लेकर बात करते हैं। ये हमने तीनों को डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक को लिया है। इसको डायग्राम को देखो और दोनों के एग्जाम्पल को हम साथ साथ कंपेयर करते हैं। सबसे पहले डायमैग्नेटिक, आर दो सब्सटेंस विच आर फीबली रिपेल्ड बाई मैग्नेट, मैग्नेट से रिपेल होते हो, और एग्जाम्पल एंटीमनी हुआ, बिस्मथ, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, क्वार्ट्ज, मरकरी, या फिर लिक्विड में बात करेंगे तो हम कहेंगे अल्कोहल, वाटर, हाइड्रोजन या एयर, आर्गन। ये किसके एग्जाम्पल है? ये डायमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय सब्सटेंस की है। और इसका एग्जाम्पल ये हुआ जिसने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया है, रिपेल किया है। अब पैरामैग्नेटिक बिल्कुल उससे अपोजिट, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंस विच आर फीबली अट्रैक्ट बाय ए मैग्नेट। तो पहले केस में फीबली रिपेल हुआ यानी कि थोड़ा सा रिपेल किया, दूसरे केस के अंदर फीबली अट्रैक्ट किया यानी कि थोड़ा सा उसने क्या किया, अट्रैक्ट किया। थोड़ा सा हो रहा है, जो भी काम हो रहा है वो कैसा हो रहा है, चाहे रिपल्शन हो अट्रैक्शन कैसा है, फीबली है यानी कि कम है। और पैरामैग्नेटिक के एग्जाम्पल, सबसे पहले शर्त तो यह है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या हुए, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, अल्कलाइन और एल्कलाइन, अर्थ मेटल्स हो गया, प्लेटिनम हो गया, ऑक्सीजन, हमें पता ही है ऑक्सीजन होती है क्योंकि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होता है, तो ये पैरामैग्नेटिक की हो गई। तो जब संकुलों के लिए जब भी अपन अणुचुंबकत्व की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिगेंड फील्ड थ्योरी से या VBT से अपन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, फिर मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। और फॉर्मूला था हमारे पास में क्या, अंडर रूट एन एन प्लस टू बोर मैग्नेटोन। और हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लगाकर हमने क्या किया था, उनके लिए म्यू की वैल्यू को कैलकुलेट किया था, और जिनके लिए म्यू का मान 0 आ जाएगा हम कहेंगे वो क्या हो जाएंगे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएंगे। जिसके लिए म्यू की कुछ वैल्यू आएगी पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे। और ये हुआ डायग्राम कि उसने फीबली अट्रैक्ट किया, थोड़ा सा किया, लेकिन इसके बिल्कुल उलट अगर वो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर ले, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो, तो वो एग्जाम्पल किसका होगा, फेरोमैग्नेटिक का। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट। और एग्जाम्पल हमारे पास में क्या होता है, निकल, कोबाल्ट और आयरन। थोड़ा सा और बढ़ने जाऊंगा तो मैं नीचे जब 45° में जाऊंगा तो गैडोलिनियम और डाइस्प्रोसियम, ये भी एग्जाम्पल होंगे किसमें, लैंथेनाइड के अंदर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के। तो ये हुए तीन तरह की मैग्नेटिक नेचर, कौन कौन सी, किस किस की बात हमने कर ली है, हमने बात की है डायमैग्नेटिक की, हमने बात की है पैरामैग्नेटिक की, हमने बात की है फेरोमैग्नेटिज्म की। अब अपन बात करते हैं बची हुई दो नेचर की। अब क्या क्या रह गया हमारे पास में, एक तो रहा है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और दूसरा होता है फेरी मैग्नेटिज्म। तो आइए बात करते हैं इन बची हुई दोनों प्रॉपर्टीज की। तो हम बात करते हैं अब फेरी मैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। अब उससे अगर समझना है ना, तो हमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से हम शुरू करके फिर समझेंगे कि इन ये दो प्रकार के सब्सटेंसेस कैसे होती हैं। देखिए स्क्रीन के ऊपर, अगर मैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस को समझना चाहता हूं, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अलाइनमेंट ऑफ डोमेन को समझना होगा। जैसे पहले केस में आइए, पहले केस में क्या है कि सब्सटेंस की जितने भी मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनका जो अलाइनमेंट है ना, डोमेन है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे एटम हो, उनका जो अलाइनमेंट होगा वो क्या होगा,
एक ही डायरेक्शन में होगा, पैरेलल होगा, तो अरेंजमेंट बिल्कुल पैरेलल है सब में। देखिएगा कैसा जा रहा है, ऊपर ऊपर ऊपर, या फिर मैं इसे नीचे इस तरह से भी शो करता तो भी बात ये कहलाता कि ये एक दूसरे की तरफ बिल्कुल अलाइंड है। ऐसे एलिमेंट हमने कहा था फेरोमैग्नेटिक है। लेकिन अब एंटी फेरोमैग्नेटिक का मतलब क्या रहा, जिसमें अलाइनमेंट इस तरह से जा रहा है, ये ऐसे दो दो के कपल में देखे तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा है, अगला हुआ बिल्कुल ऐसा, अब ये ऐसा है तो ऐसा, ये इस तरह से। अब इस केस में क्या होगा, इसका जितना मैग्नेटिक मोमेंट म्यू प्लस था वो इस म्यू दूसरे का अपोजिट होने से एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो ये इससे न्यूट्रलाइज हो जाता है, ये इससे, ये इससे, तो ओवरऑल क्या हो गया, इन एलिमेंट्स के लिए अलाइनमेंट बिल्कुल एक दूसरे के एंटी पैरेलल परस्पर होने से नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, जबकि फेरोमैग्नेटिक में मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज्यादा था। तो ऐसे सब्सटेंस को अपन कहते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जिनमें क्या है, अलाइनमेंट कैसा है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। अब ऐसी व्यवस्था हो जाए एलिमेंट में कि वो अनइक्वल अमाउंट में होता हो। अनइक्वल कैसे हुआ कि जैसे हम बात करते हैं यहां पर इस व्यवस्था की, देखिए यहां पर ये अरेंजमेंट देखिए और ये देखिए, ये कैसी है, ये तो है एंटी फेरोमैग्नेटिक की, लेकिन ये कैसी व्यवस्था आई है, फेरोमैग्नेटिक की। तो हमने कहा यहां पर अलाइनमेंट कैसा है, अनइक्वल है, यानी कि कुछ ना कुछ उस सब्सटेंस के अंदर अलाइनमेंट की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट होगा जो फेरोमैग्नेटिक से कम लेकिन एंटी फेरोमैग्नेटिक से ज्यादा होगा। तो ऐसे अलाइनमेंट वाले जो सब्सटेंस होंगे उन्हें अपन कहते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। ध्यान रखना ये अलाइनमेंट कब लागू होगा, रूल, जब हम क्या करते हैं उस सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो इस तरह से हमने आज पांच तरह के क्लासिफिकेशन की बात की है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक की। तो चलिए लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आपको बताना है उसका आंसर। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, यानी कि एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का इसमें जो अलाइनमेंट होगा वो कैसा होगा। 1 2 3 4 आपको इसका आंसर मुझे बताना है, तो व्हाट्सएप के ऊपर जाइए और मुझे जल्दी से इसका आंसर आपको बताना है, आप जरूर से बताइए। थैंक यू।